आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग ना डियर स्टूडेंट्स, बेटा बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और कंसंट्रेशन कीजिए लेक्चर की तरफ। देखो कल तक का जो आपका पैशन था ना, वो पैशन ओसी की तरफ था। कल तक का जो आपका एंथुसियाज्म था वो ओसी की तरफ का था। आज का जो आपका पैशन है इको की तरफ है। आज का जो आपका एंथुसियाज्म है वो इकोनॉमिक्स की तरफ है। बट सवाल ये आता है, 10th स्टैंडर्ड में भी हमने इकोनॉमिक्स किया है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने इकोनॉमिक्स किया है, बट इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है? द वर्ड इकोनॉमिक्स यानी क्या? आगे मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगा, बात की बात है, पर मेरे बच्चों को इकोनॉमिक्स की मीनिंग तो क्लियर हो। देखो स्ट्रेट बैठ जाइए और फोकस कीजिए। बेटा एक घर में पांच फैमिली मेंबर्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स। देखो पांचों फैमिली मेंबर्स की जो टेस्ट होगी ना वो अलग अलग होगी। किसी को पार्ले जी बिस्कुट पसंद होगा तो किसी को मोनाको, तो किसी को क्रैक से, किसी को डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद होगा तो किसी को किटकैट, तो किसी को फाइव स्टार। पांचों फैमिली मेंबर्स की इनकम अलग अलग होगी, पांचों फैमिली मेंबर्स की सेविंग्स अलग अलग होगी। पर सवाल ये आता है कि पांच जने अपनी इच्छा को मैनेज कैसे करते हैं? पांचों जने मिलके अपने घर को, द वर्ड घर, हाउस होल्ड मैनेज कैसे करते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कैसे कैसे बेटा हमारी मम्मी ब्रदर को भी खुश रखती है हर एक चीज प्रोवाइड करके, कैसे हमारी मम्मी हमारे सिस्टर को भी हैप्पी रखती है हर एक चीज प्रोवाइड करके, कैसे हमारी मम्मी हाउस होल्ड मैनेजमेंट करती कैसे, और उस हाउस होल्ड मैनेजमेंट को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका फर्स्ट चैप्टर। बेटा फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर नहीं कह रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रॉ है। रॉ यानी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, थोड़े से एग्जांपल्स कम है, बट सेकंड चैप्टर से यानी कि सेकंड क्वेश्चन से, आई मीन आपके सेकंड क्वेश्चन से आपका ईच एंड एवरी वर्ड आपकी लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की फिर सेम स्मूथली और इजी हो जाएगी। सिर्फ आपका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रफ है, रफ एंड टफ यानी कि थोड़ी लैंग्वेज अलग है उसकी। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। What do you mean by the economics and explain the different economics on the viewing the point of recording the economics? हमसे पूछा जा रहा है, हमें बताइए economics यानी क्या? Economics तो आपको पहले क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे पांच फैमिली मेंबर्स मिलके उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, और कैसे एक घर को चलाया जा रहा है। The word economics means हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कैसे घर में पांचों फैमिली मेंबर्स की हर एक इच्छा, हर एक डिमांड कंप्लीट की जा रही है। द वर्ड इच्छा यानी डिजायर, डिमांड यानी उसे पूरा किया जा रहा है। इच्छा को पूरी करो तो डिमांड बनती है। देखो मैं रीड कर रहा हूं कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या कहा है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स यानी क्या है। देखिए नंबर वन इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन इन मीनिंग लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। समाज, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस लोकलिटी में रह रहे हैं, हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसे सोशल कहा जाता है। सोशल यानी कि समाज। देखो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी लिव इन द आइसोलेशन। इंसान अकेला नहीं रह सकता, जंगल में जाके नहीं रह सकते। हम शहर में बाउंड हुए तो हमें सोसाइटी जरूर चाहिए, हमें समाज जरूर चाहिए। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द वर्ड साइंस यानी क्या? साइंस यानी ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, इट मींस आप साइंस सब्जेक्ट करो। इकोनॉमिक्स यानी क्या? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आप समाज को ऑब्जर्व करो, समाज की इनकम कितनी, समाज खर्चा कैसे कर रहा है, पूरा समाज पैराशूट ऑयल क्यों यूज कर रहा है, पूरा समाज कोलगेट क्यों यूज कर रहे, पूरा समाज पाले जी बिस्कुट क्यों खा रहा है। इट मींस आप समाज को देख रहे हो, समाज के खर्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो, समाज में रहने वाले लोगों की इनकम को एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आगे द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओको यानी कि हाउस, ओ आई के ओ, ओको यानी कि हाउस, नोमिया एन ओ एम आई ए, नोमिया मींस मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स को मिलाओ
तो वर्ड आता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, लिखा हुआ है, विच मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड एज अ थ्योरी ऑफ द सोशल साइंस. पूरे समाज को स्टडी करना, समाज में लोगों की इनकम कितनी, समाज में लोगों का खर्चा कितना, समाज में लोगों की सेविंग्स कितनी, यानी अल्टीमेटली आप पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो. आगे बात है पॉल सैमुएलसन. बेटा यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के नाम है जो लोग इकोनॉमिक्स में ऑथर है, जो लोग इकोनॉमिक्स में लॉ लिखते हैं उन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जाता है. यस, यानी पॉल सैमुएलसन भी इकोनॉमिस्ट है. कौतल्या लिखा हुआ है आगे बढ़, यानी कि चाणक्या. चाणक्या हमारे देश के बहुत महान आदमी थे और बहुत महान अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को प्योर हिंदी में कहूं ना, हिंदी में उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है. मैं रीड कर रहा हूं आगे, ये कंप्लीटली बातें लिखी हुई है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है. सेकंड चैप्टर से बेटा आपकी इकोनॉमिक्स बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा. इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस. देखो बेटा जो इनकम है ना, इनकम हमारे पास लिमिटेड होती है, बट इच्छाएं बहुत होती है. इच्छा ये होती है कि मर्सिडीज कार में घूमे, पर शायद हमारी इनकम उतनी नहीं हो. इच्छा ये होती है कि बॉम्बे में पॉश में पॉश जगह जाके फ्लैट में जाके रहे और हमारा फ्लैट हमारा घर वहां पे हो, पर शायद हमारी इनकम उतनी नहीं होती. कैसे इनकम कम होने के बावजूद भी हम चीजों से एडजस्ट कैसे करते हैं, ये एग्जैक्ट टू द पॉइंट हमें इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं. इकोनॉमिक्स यानी कि आपके पास रिसोर्सेस कम है पर बॉन्ड्स अनलिमिटेड है. कम रिसोर्सेस से भी आप बॉन्ड्स को पूरा कर रहे हो. यानी सिंपली बताऊं, कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी बेटा आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आप जब खाना खा रहे हो ना तो आपके पास भाजी यानी वेजिटेबल्स कम होती है, खाने के लिए वो भाजी की क्वांटिटी कम होती है और चपाटी ज्यादा, तो आप एडजस्ट करके थोड़ी थोड़ी भाजी और ज्यादा ज्यादा चपाटी करके खा लो. यानी आपके पास इनकम कम है और इच्छाएं बहुत, तभी भी हम अपनी जिंदगी काफी हैप्पीली गुजारते हैं. आगे देखो, ब्रीफ किया मैंने ऑलरेडी. इट डील्स विद द हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस. कौतल्यास, द वर्ड कौतल्या यानी हमारे देश के महान आदमी, महान अर्थशास्त्र चाणक्या. चाणक्या ने पूरा बुक लिखा है, चाणक्या नीति. चाणक्या जी के बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे प्रोवर्ब्स फेमस है कि पूरी जिंदगी में गुजारा कैसे किया जाए. उनका ना वो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका विजन काफी स्ट्रांग था. देखिए कौतल्या यानी चाणक्या, व्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स. चाणक्या जी ने हमें बताया कि इकोनॉमिक्स को आप अर्थ यानी कि वेल्थ, धन, अर्थ यानी कि वेल्थ, खाली प्रॉपर्टी नहीं, वो पूरा धन, वो पूरे पैसे, पूरा टाइम, पूरी हमारी असेट्स. इट मींस अर्थ यानी कि वेल्थ. शास्त्र मींस साइंस. इकोनॉमिक्स इन हिंदी मींस अर्थ शास्त्र, सोशल साइंस, या आप कह सकते हो वेल्थ ऑफ अ साइंस, कि वो समाज भी, समाज की इच्छाएं भी हमारे लिए एक वेल्थ है, एक हमारी प्रॉपर्टीज है, एक धन है. आगे अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ. कैसे हम रिसोर्सेस से खुश रह रहे हैं, कैसे हम रिसोर्सेस से काफी सेटिस्फाई हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं. आगे अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन अ ब्रॉड कॉस्ट सेंस. अर्थशास्त्र बहुत डिटेल में हमें बता रहा है कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है. देखिए मेन बेटा जो चाणक्या ने, मैं कौतल्या वर्ड यूज करूं या नहीं करूं, चाणक्या वर्ड यूज करूंगा, एक ही बात है, इंडियन टीचर, ही वॉज अ इंडियन टीचर, उन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट काफी डीप में स्टडी किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है. नंबर वन, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश की गवर्नमेंट की तरफ, चाहे भली हो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे भली हो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हो. इकोनॉमिक्स यानी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा और यूजफुल सब्जेक्ट है. सेकंड, फोकस
focus on the creation of the wealth, the means to ensure the welfare of the state. Economics हमें बता रहा है clearly कि लोगों की इच्छाएं क्या है और इच्छाओं के हिसाब से production होगी और production के हिसाब से समाज का, लोगों का भला होगा. The word भला, उनका अच्छा होगा, यानी कि welfare. Third, need for the efficient and administrative machinery for the good governance. Need for the efficient, बहुत सही, administration machinery, यानी पूरा कानून. बेटा government का पूरा कानून जो देश चलाने के लिए बना है, जो taxes के basis पे बना है, उसे कहते हैं administrative machinery, यानी पूरा कानून, पूरे कानून का structure. आगे for the good governance, यानी एकदम सही government हो और उनका काम बहुत सही हो. आगे next, completion on the political ideas into अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में चांक्य जी ने political ideas भी बताइए कि कोई समाज का भला कैसे कर सकता है, social welfare कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. यहां तक जो पूरी बातें थी ना बेटा, वो चांक्य जी के तरफ से थी, जो हमारे इंडियन टीचर थे. आगे next definition की अगर मैं बात करूं तो definitions में एक्चुअली इकोनॉमिक्स को जन्म किसने दिया? देखो जन्म देने वाले को पिता, फादर कहा जाता है. इकोनॉमिक्स को भी उसके पिता ने जन्म दिया. इट मींस एडम स्मिथ. 100% मैं 100% श्योर हूं एडम स्मिथ का नाम आपने 10th स्टैंडर्ड में, एडम स्मिथ का नाम आपने 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा ना, अभी भी आपके पास 10th के बुक्स होंगे. 10th के बुक्स में, 9th के बुक्स में एडम स्मिथ का नाम देख लो. एडम स्मिथ इज अ वेल नोन, अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. वो इकोनॉमिक्स को जन्म देने वाले सब्जेक्ट ही उन्होंने बनाया. आगे एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, देखिए उन्होंने भी कुछ कहा है. जैसे तो क्लासिकल यानी बहुत पुराने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, आल्सो रिकॉर्डेड एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसे आज का यानी उसे पिता कहा जाता है इकोनॉमिक्स का. ही हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशन. उन्होंने बहुत सारे लॉस यानी कि अलग अलग बातों पे पूरे क्वेश्चन उन्होंने बनाए, अलग अलग बातों पे उन्होंने डायग्राम्स बनाए, चार्ट्स बनाए और उन्होंने दुनिया को समझाया कि एक इंसान अपनी इच्छा कैसे पूरी करता है किसी प्रोडक्ट यानी किसी कमोडिटी की तरफ, किसी चीज की तरफ, चाहे भले वो चॉकलेट हो, चाहे भले वो बिस्किट हो, चाहे भले वो घर के लिए किराना ही क्यों ना हो. उन्होंने बहुत सारी बताई. जैसे ही इज द मोस्ट फेमस, हिज मोस्ट फेमस बुक यानी 1776 पीस ऑफ द वर्ल्ड, ए इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉसेस द वेल्थ ऑफ द नेशंस. उन्होंने भी यही कहा है कि इकोनॉमिक्स यानी कि ढूंढना, इंक्वायरी. सीआईडी कैसे इंक्वायरी करते सारा दिन, इकोनॉमिक्स यानी कि ढूंढना. क्या ढूंढना? समाज में वेल्थ को ढूंढना. जो वेल्थ होती है ना, जो प्रॉपर्टी होती है, जो इच्छाएं हैं, उसे समाज के तरफ इस्तेमाल करना और समाज की सारी इच्छाएं पूरी करना. एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ द वेल्थ. सेम सेंटेंसेस उन्होंने रिपीट किए. वेल्थ ऑफ साइंस, इट मीन साइंस ऑफ अ वेल्थ. आगे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स एडम स्मिथ ने भी कही है. देखिए नंबर वन, एडम स्मिथ का क्या कहना है कि इकोनॉमिक्स होनी कैसे चाहिए. देखो बेटा, जब तक बिजनेस में कस्टमर नहीं आएगा तब तक बिजनेसमैन सेल नहीं कर पाएगा, यानी कि गुड्स नहीं बेच पाएगा. अच्छा, जब तक गुड्स नहीं बेच पाएगा तब तक वो कमा नहीं पाएगा. यानी एडम स्मिथ का कहना है कि गुड्स बेचने में, नॉर्मल बिजनेस करने में गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर होना चाहिए. इंटरफेयर यानी गवर्नमेंट के जितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जितना कानून स्ट्रिक्ट होगा, एक ऑर्डिनरी पर्सन को बिजनेस करने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी. कम से कम लेसिस फेयर पॉलिसी ना के बराबर नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को साइड रख दो. लेसिस फेयर पॉलिसी, गवर्नमेंट को बिजनेस की बातों में इंक्लूड नहीं करो. उनके कानून कम होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम हो, या उनका जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है वो कम हो, तो बिजनेस आजादी से और फ्रीडम से किया जाएगा.
सेकंड कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन। देखो बेटा आपके घर में आप मोबाइल में ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, तो आपकी जो मोबाइल है ना वो आपके लिए कैपिटल है, वो आपके लिए वेल्थ है। उसी तरह से जो आपके घर में है वो आपकी वेल्थ है। उसी तरह से उल्लासनगर की बात करूं ना, तो उल्लासनगर में सपना गार्डन पब्लिक कैपिटल है। देश के रास्ते, देश के हाईवे, वो पब्लिक कैपिटल है, वो पब्लिक वेल्थ है। आगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। आगे नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेचर्स लॉ यानी फर्क क्या है इकोनॉमिक में, नेचर का लॉ क्या है इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो लॉ का इफेक्ट क्या है। आगे डिवीजन ऑफ द लेबर, लेबर को डिवाइड करो, लोगों को अलग अलग करो, हर लोगों में काम करने की ताकत, काम करने का स्किल, काम करने के हुनर अलग अलग है। अलग लोग अलग अलग काम करेंगे, कोई ब्रांचेस कट करेगा, कोई ट्रीज कट करेगा, तो कोई बेंचेस बनाएगा। बेंच बनाई जाती है ट्रीज में से, और ट्रीज में से डायरेक्ट नहीं, उसे कट करके। तो लोगों में काम बांटो, और बांटोगे तो देश की तरक्की होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी। नेक्स्ट प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल। ये तो प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल इज द की मैन इकोनॉमिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल। देख ले क्या कहते हैं वो प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो यानी एकदम पुराने भी नहीं, मॉडर्न यानी आज के, और नियो यानी पुराने और मॉडर्न के बीच में जो होते, उसे कहते हैं नियो। यानी अगर मैं 500 साल पहले की बात करूं तो क्लासिकल, आज की बात करूं अभी 50 साल पहले मॉडर्न, और 50-100-150 साल पहले की बात करूं यानी कि नियो, थोड़ी ओल्ड भी और थोड़ी न्यू भी, उसे कहते हैं नियो। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल ने भी बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए इकोनॉमिक्स पे, बहुत फेमस है प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल वर्ल्ड वाइड। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा मेन एम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सब बातें आपको धीरे धीरे आगे चल के पता चल जाएंगी। ये तो बेटा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट, तो इतना एक साथ डीप नहीं होगा, धीरे धीरे करके टोर टोर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। टेंशन नहीं करना, पर रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। टेंशन नहीं करना, पर रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। उन्होंने भी बुक लिखा है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लियरली लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इनके बुक का नाम है, विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1890। डेफिनेशन उन्होंने भी बेटा कुछ डेफिनेशन कहा है, देखो क्या कह रहे हैं वो। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द मैन काइंड। आप इंसान की स्टडी कर, इंसान के चीजों की, इंसान के बिजनेस की, इंसान के बिजी जिंदगी की, बिजनेस ऑफ अ लाइफ। It examines that a part of an individual, एक किसी life को पकड़ो, किसी आदमी को पकड़ो, and a social action, उसका इच्छाओं के तरफ, उसका समाज के तरफ, चीजों के तरफ, उसका behavior क्या है। Economics हमें tendency, इंसान के human behavior बता रहा है कि इंसान का behavior purchase करने के time पे, इंसान का behavior sale करने के time पे, human behavior income earn करने के time पे, last human behavior इनकम स्पेंट खर्च करने के टाइम पे क्या होता है, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्स ऑफ अ वेलबींग। इट मींस कि आप सारे रिसोर्सेस को अटैच करके यूटिलाइज करो। क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एकदम अटैच होके, एंड यूज ऑफ मटेरियल जो रिसोर्सेस आपके पास है ऑफ अ वेलबींग, उसे हमेशा खुश रहो। आगे नेक्स्ट की पॉइंट्स, बेटा मार्शल ने भी कुछ की पॉइंट्स बताइए। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी की स्टडी, आम आदमी की इनकम, इनकम के बाद उनका खर्चा, उस पर्सन की सेविंग, उस पर्सन की इन्वेस्टमेंट्स, यानी एक आम आदमी अपनी जिंदगी खुशी से कैसे गुजारता है। एक आम आदमी को इच्छाएं बहुत होंगी पर उसके पास इनकम बहुत नहीं होगी। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर साइंस, वो एक बिहेवियर है साइंस का, सोशल साइंस का है उन्हें बिहेवियर यानी
समाज का जैसे बिहेवियर चेंज होगा वैसे इच्छाएं चेंज होगी, वैसे प्रोडक्ट चेंज होंगे, वैसे कमोडिटी भी चेंजेस होंगी। देखो ना बेटा, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट कर रहे हो, इससे ज्यादा खर्च करना सही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक इंसान का बिहेवियर है और ये बिहेवियर समाज के हिसाब से और समाज सिचुएशन के हिसाब से, एस फॉर समाज एस फॉर सिचुएशन। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर साइंस स्टडी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस वेलफेयर, रिसोर्सेस हमारे वेलफेयर समाज का भला कैसे कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सिंपली स्टडी ऑफ अ वेल्थ, इट इज अ खाली स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं, इट इज अ स्टडी ऑफ अ सोशल वेल्थ। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लायोनियल मेसी नहीं, लायोनियल रॉबिन्स भी एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने भी कुछ बातें अपने तरफ से, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने तरफ से इकोनॉमिक्स के लिए कहा है। लास्ट कर लेते, द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द रॉबिन्स इन इस बुक एंटाइटल्ड एन एसे, उन्होंने एसे यानी बुक में बताया एन एसे ऑन द नेचर, कुदरत की तरफ। देखो इकोनॉमिक्स कह रहा है लैंड वाटर, LAND लैंड वाटर एयर इस रिसोर्सेस, जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, पानी इस्तेमाल कर रहे हो, हवा इस्तेमाल कर रहे हो, इस रिसोर्सेस जरिया। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए पानी चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनाने की जमीन चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो बेटा ये क्या है, ये रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस को जरिया कहा जाता है। आगे एन इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन ईयर 1932, आगे मेंशंस द स्केर्सिटी शॉर्टेज ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, बेस्ट डेफिनेशन उन्होंने बताया सिंपल, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, साइंस यानी ऑब्जर्वेशंस, साइंस यानी एक्सपेरिमेंट इंसान के बिहेवियर पे। कैसे, आपको चीज 10 रुपए में मिल रही है आप कम खरीद रहे हो, 8 रुपए में मिल रही है आप ज्यादा खरीद रहे हो, 5 रुपए में मिल रही है और ज्यादा खरीद रहे हो, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इंसानों पे। विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मींस व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस। देखो ना बेटा, देखो आपके पॉकेट में 3000 रुपीज है, 3000, और आपको जो शर्ट पसंद है 5000, उधारी रखनी नहीं, क्रेडिट बेसिस पे आप परचेस नहीं करना चाहते हो, पैसे 3000 है, चीज 5000 की पसंद है, तो क्या करोगे आप, शर्ट 3000 तक या 3000 से कम वाली पसंद करोगे, अल्टरनेटिव यूजेस, या तो 5000 वाली लोगे, भले दो शर्ट्स लो 1500 की दो लोगे, अल्टरनेटिव यूजेस। आगे विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस, की पॉइंट्स, रॉबिन्स वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं बहुत होती है। सर हमें तो शर्ट 10000 की पसंद है, एग्जांपल बेटा 5000 की 10000 की, मोबाइल आपको लाख रुपए की चाहिए, इच्छाएं बहुत होती है। और सच बताऊं अगर सारी इच्छाएं पूरी करनी है ना तो अपनी जिंदगी को चैलेंज से लो, चैलेंज, यू नीड करेज, आपको उतनी हिम्मत होनी चाहिए टू बी एक्सेप्शनल, आप दुनिया से अलग जियो, यू नीड करेज टू बिकम द रिच, यू नीड करेज टू वेक अप द अर्ली मॉर्निंग, उतनी हिम्मत होनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की, पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की और बहुत ज्यादा सबसे आगे पढ़ने की। देखो means and comparatively limited wants are gradable on the basis of the priority, ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले food आएगा, उसके बाद clothing, sheltering etc, सबसे पहले basic necessities आएंगी, उसके बाद आप comforts को देखे जाओगे। means are the alternative uses यानी कि resources को अलग अलग uses भी होते हैं। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहाने आपको रीजंस, एक्सक्यूजेस, बहाने आपको कुछ पल की खुशी जरूर देंगे, कुछ पल की। सुबह लेट उठना और ये कहना कि सर में बहुत दर्द है, क्वाइट पॉसिबल, ये कहना कि लॉकडाउन है तो स्टडी करने का मतलब क्या है, बहाने आपको कुछ पल की खुशी जरूर देंगे पर 100% इसकी कीमत आपको आगे चुकानी पड़ेगी। देखो कंपटीशन, बेटा कंपटीशन आज नहीं है, आज आप जो कर रहे हो ना आपकी कंपटीशन में, आपके रेसिंग में कम चले जो आपके साथ रेस लगा रहे हैं।
डिक्लेयर हो जाए, एक बार वंस 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद तो पूरी दुनिया अपने ड्यूटी में सीरियस हो जाएगी, उसके बाद तो सब दौड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। पर आप तब शांत रहोगे, पर आप तब टेंशन के बगैर जियोगे, क्योंकि आपने 4 कदम टाइम से पहले स्टार्ट कर दिए, आपने आज से सिलेबस कंप्लीट कर दिए, आपने आज से रिटन प्रैक्टिस कर दिए, तो उसके बाद 4 कदम हो या 40 कदम हो, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करना लेट कहने में आएगा, अभी स्टार्ट करना एकदम परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट कहने में आएगा। देखिए कितना भी बेटा, कितना भी वो आदमी चीखे चिल्लाए कि ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन छूट गई, अल्टीमेटली उस अकेले आदमी की प्लेटफॉर्म पे कोई सुनने वाला नहीं, इनफैक्ट उसे देख के 10 जने कहेंगे कि अगर इतना ही आपको ट्रेन की परवाह थी, आपको अपनी मंजिल इतनी प्यारी थी, आपको डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचना था, तो आपने वो डेडिकेशन क्यों नहीं था, आप प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आके रुकते ना, आने वाले आधा घंटा पहले आते, टाइम गवाते अपना 30 मिनट आके रुकते, उसके बाद ये कहना कि ट्रेन लेट हो गई या ये कहना कि ट्रेन जल्दी चली गई, उस बात की कोई अहमियत ही नहीं होगी। 10 जने आपको कहेंगे कि आना था तो 25-30 मिनट पहले आके रुकते ना, बहाने आपको कुछ पल का सुकून दे सकती है, बिलीव मी, बट उसके बाद कीमत चुकानी पड़ती है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.